जो सबमिट किया उनमें से 2% एक्सपीरियंस नहीं है माउंटेनियरिंग, इसके लिए एनओसी दिया जाए। फिर भी हमने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करके एनओसी भी भेजा। ये बार हम आप लोगों को मीडिया को हम बार बार बता चुका है, क्योंकि ये डिटेल्स को बोलने के लिए हमने इसको फिर से दोबारा बताना पड़ता है, टच करके बताना पड़ता है। ऐसे हो के फिर हमने महीना भर चला गया, माउंटेनियरिंग सीजन खत्म हो गया। जिस दिन हमने सीएम सर को मिली थी तब हमने सीएम सर को भी रिक्वेस्ट की थी, सर माउंटेनियरिंग इंटरनेशनल या नेशनल माउंटेनियरिंग एक सीजन होता है, सिर्फ 30 सितंबर तक सीजन क्लोज होता था, इससे पहले आप हमें हेलीकॉप्टर से पहुंचा दीजिए, उतना रिक्वेस्ट किया था। ये बात हमने वहाँ पे जिक्र किया था। तो रुकते रुकते हमारा 6 अक्टूबर आ गया, तो हमको उपाय नहीं है, हमने लास्टली रिक्वेस्ट करके हमारा ये तागित सोरेंग और तारू हाई जाना है, तो दोनों को जाना था, क्योंकि तागित सोरेंग और तारू हाई हमारा फैमिली मेंबर है और उन्होंने तापीमारा का प्रोटेक्शन है, क्योंकि इनको तागित सोरेंग एक माउंट एवरेस्टर है और तारू हाई एक माउंटेनियरिंग है, और दोनों को तापीमारा का प्रोटेक्शन था। इन्होंने वो चीज को याद करते हुए फैमिली मेंबर अपना इमोशनल लेते हुए हर मुसीबत को सामना करके पैदल जाने की ये किया, कोशिश किया। कोशिश करते हुए उन्होंने हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर के घर में किया, रेसिडेंस में जाके रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज ये 144 को रिवोक कर दो, आप बोल दीजिए बोल के। हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर का तरफ से कॉल कर देता है, फोन कॉल कर देता है, तो डीसी दिल्ली में था, वो डीसी 4 तारीख को हमें रिवोक ऑर्डर देता है, तो 144 का जो रिवोक ऑर्डर अभी हमारा पास है, ये फोन में है, भाई व्हाट्सएप में मिला था। तो हम रिवोक ऑर्डर मिलने के साथ साथ हमने यहाँ से निकला, मैनेज अपना से ओन मैनेजर के फैमिली वाला मैनेज करके तागित सोरेंग, तारू हाई, ताना लुई और तांजिंग बाते को हम लोग फैमिली की तरफ से इनका साथ हमने डॉक्टर तादी मारा को भेजा, वहाँ हमारे लास्ट भाई है उसको भेजा। भेज के हमने जैसे यहाँ से भेजा, तब समय भी तो बहुत बारिश थी, बहुत सब कुछ कठिन सामना करना पड़ा था, पर भी हमारा फैमिली सर्च एंड ऑपरेशन टीम ने जहाँ पे आर्मी गया वहाँ पे पहुँचा, फिर उनको जहाँ पे आर्मी गया उसको पार करके कैंप तरी में पहुँच के हमारा तपीमारा और निकू दाऊ का सामान को वापस लेके आया। जैसे यहाँ से घर से सामान लेके गया ऐसे वापस लेके आया, तब अभी सवाल यहीं पे उठता है कि उसी दिन हमने जैसे डीसी को रिक्वेस्ट किया था तामा बगन जी और तागित सोरेंग जी को भेज दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन करके रख दिया है आपका हाथ में, भेजना आपका ड्यूटी है। हमारे ऑल अरुणाचल के सारे माउंटेनियरिंग टीम पूरा जमा हुआ था सेपा में, हर एक बोला था कि हम अपना वॉलंटियरली ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको माउंटेनियरिंग टीम को एक टीम बना के भेज दीजिए, हमने जैसे भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट लेगा हम इनको ढूंढने के लिए पूरा दिल से कोशिश करेगा बोल के डीसी को भी बोला। उन्होंने मेमोरेंडम भी सबमिट किया, अंडरटेकिंग भी डीसी के सामने किया, पर भी इनमें से सबको नहीं ले जाने से भी एटलीस्ट तागित सोरेंग और तमय बगन जी को ले जाओ बोल के हमने डीसी का पैर पकड़ के गिर गिरा के रोया। इतना एक दिन नहीं है, 7 तारीख से 14 तारीख तक, तो अब डीसी ने उसको नहीं भेजा। तमिल तागित सोरेंग और तमय बगन को क्यों भेजना था स्पेशलिस्ट, इसलिए था कि वो दोनों ने लास्ट ईयर तापी महाराज जी का साथ वहाँ पे एक्सपीडिशन एक्टिविटी में पूरा काम किया, लोकेशन को पूरा पता है और जहाँ पे रोप आप करके रखा है वहाँ को उसको पूरा पता है जहाँ से जाना चाहिए और रास्ता को पूरा पता है, केम तरी जहाँ पे सेटअप करना चाहिए इनको भी पता है। अभी जो लोकेट करके हमने दिया, जो डीसी को लोकेट करके दिया, सर्च ऑपरेशन भी ज्यादा दूर ढूंढना जरूरी नहीं, इस एरिया में ढूंढना है बोल के हमने पूरा रोड मैप करके भी दिया इनको, देने के बावजूद भी डीसी तमें बगन जी और तागित सोरेंग को नहीं भेजा। आज का रेस्क्यू ऑपरेशन का गवर्नमेंट का फेलर का कारण यही है। अगर उसी दिन 11 सितंबर को तागित सोरेंग के साथ तमय बगन दोनों को आर्मी के साथ भेज देता, या तो अभी हमारा तपीमारा और निकू दाऊ को या जो जिंदा मिल जाता, अगर इन कैजुअलिटी हो गया तो कई क्रेविसेस में गिर गया तो अभी कैजुअलिटी में मिल जाता जिंदा होता, इनकेस मर भी गया तो हमने डेथ बॉडी मिल जाता, या थर्ड हैपन कुछ भी पीएल इशू होता तब भी हमें कुछ निशान मिल जाता, सबल इसमें है। उसी दिन क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ पे उसी समय बर्फ भी ज्यादा नहीं था, कैंप 2 में बिल्कुल बर्फ नहीं था, कैंप 1 में बर्फ नहीं था,
और बेस कैंप तो तुतली हेलीकॉप्टर वहाँ पे लैंडिंग हुआ था। आज के डेट में हमारा फैमिली रेस्क्यू टीम जो गया उसी समय बेस कैंप तक जहाँ पे आगे हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुआ था वहाँ तक पूरा बर्फ लेवल हो गया, पर भी हमारा फैमिली टीम जाके ले सका है। अभी सवाल इसमें है, फैमिली टीम इतना मैनेजमेंट आधा मोरा करके महीना भर मैनेज करके इधर उधर हर एक को कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश किया, इंटीमेशन देने के लिए कोशिश किया, सपोर्ट लेने के लिए कोशिश किया, उतना तरफ तरफ के हम भेज रहे हैं, तब तक गवर्नमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट क्यों हमें रेस्पॉन्स नहीं किया, क्यों हमसे अपडेट नहीं लिया, क्यों हमसे रेस्क्यू ऑपरेशन रिसर्च ऑपरेशन में क्यों मदद नहीं किया, सवाल इसमें है। इसलिए जिम्मेदारी कंसर्न डिपार्टमेंट का बनता है डायरेक्टर यू अपीयर्स, जैसे 22 जुलाई को कैसे जैसे मोमेंट ऑर्डर दे के भेजा, इससे हमारा भैया तपी मरा और निकू दा को वापस लाना पड़ेगा जिंदा या मरता। अगर जिंदा है भी तो जिंदा ला दीजिए, अगर मर गया हो भी तो डेड बॉडी ला दीजिए, अगर डेड बॉडी सर गया हो भी तो एक टोकरा हरदी ला दीजिए, हम डीएनए टेस्ट करके देखेगा। सवाल इसमें है, इस सब बात के लिए हमसे बात करने के लिए क्यों चुप रहा है डायरेक्टर, किस लिए चुप रहा है डिपार्टमेंट, क्यों चुप रहा है, किस लिए आवाज कुछ भी आवाज नहीं हो रहा है, क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहा है, क्यों रिटर्न में नहीं दे रहा है, सवाल इसमें है। इसलिए जब तक तपी मरा और निकू दाऊ जी को वापस लेके नहीं आएगा, कुछ भी लेटेस्ट अपडेट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं देगा, हम जब तक यहाँ पे बैठेगा, हम एक्चुअली यहाँ पे धरना करने के लिए नहीं बैठा है, ये बार बार आप लोगों को बता रहा है, ये तपी मरा का हमारे भैया का लास्ट 16 अगस्त को ये टेंट से निकला था, ये टेंट से निकलने के बाद वापस नहीं आया, इसलिए हम इसको अपना भैया समझ के इसमें रुक के भैया को वेटिंग करेगा, जब तक नहीं आएगा, जब तक डिपार्टमेंट नहीं लाएगा, जब गवर्नमेंट से हमें कुछ अपडेट नहीं आएगा, हम जब तक यहाँ पे रुकेगा, वहाँ गवर्नमेंट हम को एक साल रुकाना, दो साल रुकाना, कितना साल रुकाना सही लगता है तो गवर्नमेंट हमको इग्नोर कर, अगर सही नहीं लगता है तपी मरा जी जैसे के लिए आज के डेट में फैमिली यहाँ में ऐसे टेंट में जमीन में तरफ तरफ ना सही नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को तोरा से भी लगा है, तो गवर्नमेंट आए हमें अपडेट दे दीजिए, हमारा डिमांड पूरा कीजिए, उतना आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और आप लोगों के माध्यम से हम एक बार हाथ जोड़ के बेनती करना चाहूंगी, खास करके हमारा माउंटेनरी फैमिली को अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट या ऑल ओवर इंडिया जैसे भी हो, देश दुनिया से जहां से भी देख रहा हो इस मैसेज को, हमारा माउंटेनियरिंग फैमिली जितना है, जैसे एवरेस्ट में समिट किया हो, कोई ऑन गोइंग एवरेस्ट में हो या कोई एक्सपीडिशन किया होता हो, तो इन माउंटेनियरिंग फैमिली को हमारे ओर से अपील है, आप आज का डेट में हमें आपका सपोर्ट जरूरी है, बाकी हमारा इमोशनल को नहीं समझ रहा है, बाकी हमारा दुख को नहीं समझ रहा है आज का डेट में, आप माउंटेनियरिंग फैमिली है, आप माउंटेनियरिंग लोग ही समझ सकता है माउंटेनियरिंग का प्रोफेशनल क्या है, माउंटेनियर क्या करना चाहिए, एक एवरेस्ट में समिट करने के बाद अपना स्टेट के लिए अपना कंट्री के लिए क्या करना चाहिए, वो सब आपका पास में है, आपको नॉलेज आपका पास में है, प्लीज सारा अरुणाचल या सारा इंडिया में जितना माउंटेनियर है जैसे एवरेस्ट समिट किया हो, इन सब को हम अपना तपी मरा का और निकू दाऊ का फैमिली की ओर से हाथ जोड़ के बेनती करना चाहती हूँ, आप आज के डेट में आपका हम सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट दिया हम आपका सपोर्ट चाहिए, आप प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए, करने के लिए कोशिश कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप प्लीज हम इस दौर में आप हमें ज्वाइन करने के लिए कोशिश कीजिए। मैम आप लोग का जो परिवार को जैसे कि आप लोग सुनने में पता चला कि आप लोग कल रात से हमें धरना धरना पे तो गवर्नमेंट का तरफ से जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से आप लोग का या इधर में कोई विजिट करने आया कोई देखने आया आज तक? नहीं आज तक, कल हम कल शाम 3:30 से बैठा है परमिशन लेके, हम एक्चुअली डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का ऑफिस में बैठना था, हम सिर्फ हमको धरना करने के मकसद में था, हम भैया को वेटिंग करना था, जैसे तपी मरा जी का ये माँ है, माँ बेटा को वेटिंग करना था जो कब आएगा, ये बीवी है इसका वाइफ है अपना हस्बैंड को वेटिंग करना था कब आएगा, फिर ये बहन है, बहन हमारा चौथा बहन लोग है, ये वेटिंग करना सब बस्ती से आया है, वेटिंग करना था, हम वेटिंग करना था कब आएगा गवर्नमेंट, कब लेके आएगा डिपार्टमेंट, कब लेके आएगा गवर्नमेंट, आपको हमको कब जवाब देगा, हम एक पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कुछ भी नहीं है, हम पॉजिटिवली वेटिंग कर रहा था, हम डायरेक्टर ऑफिस में वेटिंग कर रहा था, तो हम जाने अनजाने में हम कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को
इंटीमेशन नहीं देना गलत है बोल के सही नहीं लगा। हमने डीसी कैपिटल को तालाब पोतम सर को इंटीमेशन देने गया था, तालाब पोतम सर ने मना किया वहाँ पे सही नहीं है, धरना स्थान टेनिस कोर्ट में है वहाँ पे जाओ बोल के। फिर हम कानून को वोलेशन भी नहीं कर पाया इसलिए यहाँ आया, नहीं तो हमें यहाँ आके धरना करने का कोई ये नहीं था। आप ये देखिए, आप लोग ये बात गौर से देखिए, ये टपी मरा का अचीवमेंट है, ये कोई आपका स्टेट गवर्नमेंट दिया होगा, आपका कोई गवर्नर दिया होगा, ये कोई सरकार दिया होगा इसका। आप टपी मरा का अचीवमेंट को आप लोग देख लीजिए, आप देख लीजिए टपी मरा क्या था, कोई मिनिस्टर दिया था होगा, कोई एमएलए दिया था होगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट दिया था होगा। ये साउथ अफ्रीका केली मंजरों का, तंजानिया केली मंजरों का है, वहाँ पे भी हाईएस्ट पीक को सबमिट किया, ये दिया था का, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने तो दिया है, हमने तो परिवार वाला तो नहीं दिया है इसको अचीवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल तो देखा, हम सिर्फ नहीं देखा। ये मानतकोश को ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का कंटिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है, वहाँ इसको भी सबमिट किया, इसका डेट कौन सा है, तारीख कौन सा है, पूरा यहाँ पे है कितना हाई पीक, कितना हाइट है। तो ये माउंट एवरेस्ट का है, माउंट एवरेस्ट का तो आप लोग का सबका नॉलेज में है, ये तो कोई ना कोई तो दिया है ना, कुछ अचीवमेंट की वजह से तो दिया है ना, ये ट्रू लेजेंडरी अवार्ड नोटिस का, ये तो कोई तो दिया होगा, हमने परिवार वाला तो नहीं दिया है। हाँ ये देखिए इसका कितना अचीवमेंट है, देखिए अपना स्टेट में नहीं है, अपना कंट्री भी नहीं है, अलग स्टेट में, अलग कंट्री में, अलग डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में इनका इतना अचीवमेंट होने के बावजूद भी आज तभी मेरा मिसिंग है। मिसिंग होने के बाद अभी हम फैमिली बेहाल में है, हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। इसी समय में गवर्नमेंट हमको सहारा देने के बजाय आज हमें इधर ये अचीवमेंट के साथ हम इधर ऐसे बैठना चाहिए, आपको ये बैठना, आप लोग पब्लिक, आप लोग जनता पूरा बताइए कि आप समझ बताइए कि ये कितना तक सही है, आप लोग ही बताइए। आप लोग ये सवाल गवर्नमेंट को पूछ लीजिए, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स को पूछ लीजिए, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स को पूछ लीजिए, आप गवर्नर से भी पूछ सकता है, क्योंकि दो दो गवर्नर से दो दो अवार्ड दे चुका है तभी मरा, हम उतना बताना था। थैंक यू मैम। आपको यहाँ चार्टर ऑफ डिमांड में लाइक हाई कमिटी सेटअप करना है अगेंस्ट डीसी का लेके, तो क्या एग्जैक्टली है, क्या कमी रह गया था डीसी में, आप इसे डिमांड कर रहे हैं? एक्चुअली ये बहुत लंबा चौड़ा बात है, ये बात आप लोग को हम डे वन से प्रेस में बता चुका है, ये बात हम सीएम सर को 23 सितंबर को हमने सीएम सर के पास टोटल मीटिंग में जो उसमें चीफ सेक्रेटरी भी था, हम आगे में जैसे बताया सिविल एवियशन के सेक्रेटरी फोर्स सेक्रेटरी भी था और डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर भी था, हमारा तागेन कल्चरल सोसाइटी भी था साथ में, तो हमने उसमें पूरा जिक्र किया, पूरा डिटेल्स बता चुका है। डिससेटिस्फेक्शन इसलिए है, नंबर वन हम तागित सोरेंग तमे बगंग तारू हाई का नेतृत्व में, तागित सोरेंग का नेतृत्व में तारू हाई तमे बगंग तागित सोरेंग का तीनों को हमने अपना फैमिली की ओर से भेज रहा था, नंबर वन पहला ऑपरेशन सर्च में भेज रहा था 15 वोटर का साथ, इनको डीसी मना किया आप पैदल मोड़ जाओ, हम 29 को भेज रहा था सर्च के लिए, उन्होंने रुकाया, हम हेलीकॉप्टर से भेज देगा, हेलीकॉप्टर में 8 दिन में पहुंचना, 10 दिन में पहुंचना था, हेलीकॉप्टर में 1 घंटा में हम पहुंचा रहे, तब हमने रुका, रुकते रुकते 31 तारीख तक आ गया, 28 से 1 तारीख तक टाइम का दिया, हाँ टाइम वेस्ट हो गया, फिर बारिश होने के कारण उसमें बारिश ठीक नहीं है बोल के फिर हम लोग रीप्लान करके फिर पैदल मूव किया, फुट मार्च करने के बाद हम लोग 3 दिन का रास्ता पहुंचा है, बापरिया बांग में कॉन्फ्लिक्स पॉइंट में पहुंचा आर्मी के साथ, उसमें ज्यादा आर्मी डिप्लॉय करने के कारण हमने नहीं जा पाया, तो आर्मी वहां पे बापरिया बांग में जो सिंगल रूप है वहां में पार नहीं कर पाया था। आप डिटेल सुन लीजिए, अगर डिटेल जानना है तो आर्मी से पार नहीं हो पा रहा था, तो तागेत सोरेंग और तमे बगंग जी ने बताया, हमने पोर्टर के साथ जो पूरे लड़का लोग है बहुत एक्सपर्ट है इनके साथ हमने फुट मार्च अभी निकल रहा है, तब तक हम बेस कैंप पहुंचते 7 या 8 तारीख को मौसम ठीक होगा, विदो रिपोर्ट हम लोग अपडेट कर रहा था, तो ऐसे बोल के आर्मी को रिक्वेस्ट किया, आर्मी वाला ने बोला होगा डीसी को पूछेगा, डीसी अलॉट करता है आप लोग आगे निकल जाओ, हम लोग हेलीकॉप्टर में आ जाएगा ऐसे बोला, तो वहां से बपरिया बंग से डीसी को कॉल किया, तमे बगंग और तागेत सोरेंग निकलेगा पूरे पोत्र के साथ, आप लोग आर्मी को वापस कीजिए बोला है, तो डीसी क्या किया, नहीं होगा आप आर्मी को जैसे लेके गया ऐसे वापस ले आओ, अगर बीच में आर्मी कुछ भी कैजुअलिटी हो जाता है तो जिम्मेदारी तमे बगंग और तागेत सोरेंग का होगा बोल के डरा दिया, और दोनों उसके आदेश को मानते हुए वापस आ गया, तब तक 7 तारीख हो गया, तब 7 तारीख को हमने फिर मीटिंग
और लोग लौटने के बाद, उन लोग पूरा लौटने के बाद हम लोग फिर शाम को री मीटिंग बिताया, फिर से मीटिंग बिता के हम लोग हेलीकॉप्टर में भेजने के लिए हेलीकॉप्टर प्लान कर रहा था। 8 तारीख को वेदर ठीक हो रहा था वेदर रिपोर्ट के हिसाब से, तो उसी समय हमने मीटिंग बिताया। मीटिंग बिताने के बाद डीसी भी था, सब एडमिनिस्ट्रेशन सब टीम था, आर्मी भी था, तमिल बैगन और तागित सरंग भी था। तो उसी समय हमने बोला, और सारा अरुणाचल का माउंटेनियर वहां में जमा था, 5 एवरेस्ट स्टार, 3 माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन, तो टोटल 8 माउंटेनियरिंग सेपा डीसी ऑफिस में था। तो उन्होंने सब बोला हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन में वॉलंटियरली ज्वाइन करेगा। तो उसी समय हम डीसी को रिक्वेस्ट किया, माउंटेनियरिंग टीम को एक ग्रुप बनाइए और आपका आर्मी टीम को एक ग्रुप बना के दोनों टीम को ज्वाइन ऑपरेशन करने दीजिए, क्योंकि ग्लेशियर में माउंटेनियरिंग लोग ही जैसे एवरेस्ट में जो समिट किया उन लोग ने ज्यादा काम कर पाएगा, जिस डीसी को बोला। डीसी ने नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना, नहीं ले गया। तो तब तक रुकते रुकते माउंटेनियरिंग टीम एक एक करके निकल गया, तब तक आखिरी तक तमय बगिंग सर और तारिक तागित सोन रुका था, तब नहीं भेजा। तारू हाई को मसामिरी भेज दिया, आर्मी को मसामिरी से दारी उतारने दिया, सेपा हेलीकॉप्टर नहीं आने दिया, डीसी भी मसामिरी चला गया। तब हम इसे रिक्वेस्ट करने के बाद, तब 14 तारीख को डीसी आ गया, तो 11 तारीख को आर्मी टीम को लंच करने उधर इंडक्ट करने के बाद बेस कैंप में, फिर डीसी उधर आ गया 12 तारीख को, आने के बाद 13 तारीख को डीसी सेपा आ गया मसामिरी से। तब हम लोग को 11 तारीख को खबर, रात को खबर देता है हेलीकॉप्टर कने पास उतरेगा, तब हम लोग ने माउंटेनियरिंग टीम को हमने लेके रात को केनेबा पहुंचा। तो से केनेबा में 2 बार रुका, 2 दिन रुका, नहीं मिला। तब शाम को खबर आता है, शाम 5 बजे बाद खबर आता है कल मिसामारी से हेलीकॉप्टर फिर उठे, फिर बोल के हम माउंटेनियरिंग टीम को फिर सेपा वापस लेके आया। तब वहां में नेमबाई आ जाता है तकातामोत और किशन कसिंग को ले जाना, तो उसमें भी हमने रिक्वेस्ट किया था दोनों के जगह में ताकि तुरंत को एक को रिप्लेस करो। क्यों बोलने से हम तकातामोत और किशन कसिंग को वहां में जाके काम नहीं कर पाएगा ये नहीं बोल रहा है, क्योंकि तागित को पूरा लोकेशन पता है, जहाँ में जाना है, एग्जिट जहाँ तक जाना है, जहाँ से जाना है, रास्ता कहाँ से है, कौन से रूप अप करके जाना है, राजलाशियर यहाँ पे जहाँ पे जो रूप अप करके रखा है वहाँ से जाना है, तागित को पूरा पता था। तब तागित को ले जाओ बोलकर गिरा के रिक्वेस्ट किया, तो उसी में हमको क्या बोलता है, तेरा तागित सोरंग और तमय बगिंग सुपरमैन है क्या, वहाँ में जाके क्या करेगा, तुम्हारा एक आदमी तेरा तपी मरा निकोता एक आदमी का बाजा से चाइना अगर इधर एटैक करेगा तो हमको फिंगर पॉइंट करके बोलता है तुम रिस्क लेगा क्या, तुम्हारा टीसीएस रिस्क लेगा क्या, उतना तक बोला। पर भी ये बात टीसीएस का नाम अभी तक हम एक्सपोज नहीं किया, इतना तक बोल के हमको उधर सब सुना। तो ऐसे होने के बावजूद मेरा मुंह को तो पूरा बंद कर लिया, हम रोने के अलावा कुछ जवाब भी नहीं सका, हम सिर्फ उतना जवाब दिया है अरे सर अगर वहाँ पे अब चाइना का डर था तो गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ मेरा भैया को क्यों भेजा है, उतना सिर्फ बोल के हम रोके बेटा। फिर हम थोड़ा तंदा दिमाग से सोच के डीसी को फिर रिक्वेस्ट किया, अगर सर आपका हेलीकॉप्टर तो 14 तारीख को तकातामोत और किशन कसिंग को तो इंदा कर लिया, अगर आपका अगर ये लास्ट हेलीकॉप्टर है तो आपका पास और अफोर्डेबल नहीं है तो हमें पैदल मार्च करने दीजिए, हमारा 4 पोतर है जिसे लास्ट ईयर हमारे भैया का जो तपी मरा जी का गायत हमेशा ले जाने वाला गायत था, वो गायत को हम ले जाके बचा कभी अकली संबर अकली करव्या वालों कति दाओ को हम लेके पैदल निकल जाएगा ताकि सोरंग के साथ निकल जाएगा बोल के बताया। तो बोलने के बाद कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, कुछ समय के बाद 12 बजे इसी के बाद एक ऑर्डर निकलता है चाकब यकली का तीदाओ करव्या वालों संबर यकली को आर्मी का मदद के लिए आगे मूव कर दिया, भेज दिया, हम लोगों ने बता दिया। फिर हम शाम को जाके उसमें तो बहुत रुआ है, अरे सर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, हम जो ले जाना था उसको भी आप भेज दिया। हम लोग ऐसे होने से हम घर से भाई लोग को बुला के कल निकल जाएगा आप प्लीज हमें ये दीजिए पोतर आर्मी क्या बोलते हैं पूर्व पोतर के लिए हम अंडर टेकिंग बना दीजिए बोल के हमने रिक्वेस्ट किया। फिर करने के बाद शाम को सेम डे 14 तारीख शाम को फिर एक नोटिस निकलता है ऑर्डर निकलता है 144 पूरा सिविल जाना माना है और उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि 144 में एक्सपीडिशन एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगा, लादा साबा केनेबा 3 सर्कल का लोकेशन में एक्सपीडिशन एक्टिविटी नहीं होगा, रेस्ट ITBP और आर्मी। उसमें रीजन लिखा है कि ह्यूमन लाइफ रिस्की है हेवी रेनफॉल होने के कारण, अगर ह्यूमन लाइफ रिस्की था तो आर्मी ITBP का कोई ह्यूमन लाइफ नहीं था हम लोग को मना करके, ये सब एकदम टोटली कंस्पिरेसी है उधर तपीमारा को नहीं ढूंढना है नहीं मिलना है वही है। तब वहाँ पे पहुंच के सर ऑपरेशन टीम क्या किया,
11 तारीख को आर्मी को इंटर किया है, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख को तकातामुर और किसान कर्षण को इंटर करता है। 15 तारीख को वहां से शुरू होता है, 5 दिन बेस कैंप में बैठने के बाद 15 तारीख को किम वन जाता है। तो 15 तारीख को किम वन जाता है तो 16 तारीख को वहां पे रेस करता है। फिर तब तकातामुर किसान कर्षण और आर्मी किसान कर्षण सर दर्दता बोल के वापस बेस कैंप वापस भेज दिया, डाउन कर दिया। फिर कैंप टू के लिए हाई और तकातामुर और आर्मी आर्मी पर्सनल तो 17 तारीख को कैंप टू के लिए सिर्फ जाता है, बोल के उसको सीज करने नहीं दिया। तो उसी दिन भी तारू हाई बोल किया था 8 बजे को अभी आर्मी आगे जाने नहीं दे रहे, माने आर्मी अपना वो लास्ट ईयर जो लास्ट एक्सपीडिशन में जो रूप अप करके रखा है उसको देखा ही दे रहा है। हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया, रूप स्पेस में चढ़ जाता है तो इससे थोड़ा दूर में टेंट को मिल जाता है। अगर उसी समय उन लोग पहुंचता, डीसी मना नहीं करता, या जिंदा भी मिल जाता, या कुछ एक्सीडेंट हो गया भी तो वहाँ मिल जाता, या मर गया तो डेड बॉडी मिल जाता। अभी हम बार बार बोला जो तब पे जो भी एपीएल इश्यू होता तो भी कुछ तो निशान मिल जाता। अभी भाई वो दोनों के पास में तपीमारा और निकुदाव के पास में अभी सब कुछ सामान वापस मिल गया, मोबाइल फोन नहीं मिला, आइस एक्स नहीं मिला, वो दोनों से मत अभी तक तो नहीं आया, बाकी चीज मिल गई। इसलिए अभी हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा भाई अभी नहीं है, हम नहीं बोल सकते। हम ये भी नहीं बोल सकते वहाँ में जिंदा बैठा, ऐसा भी नहीं बोल सकते। अभी हम क्या करें, हम भी कंफ्यूज में है क्या करें। इसलिए डिपार्टमेंट जिंदा या मर्दा ला देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अगर जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम यहाँ पे बैठते रहेगा। अगर हम यहाँ को हम यहाँ पे परिवार वाला जितना तक बैठना है, कितना दिन बैठना है, उसको गोमिनी देख रहे।